शर्मा मैडम, इसे पी लें। शुक्रिया। अभ्यास सुनो, जाओ तुम लोग। कैसी हैं आप? थक गई हूं। अम्मी, क्या आपको दादा ने बंद किया था? अली रुको, तुम इससे दूर रहो। आप क्या बात कर रही हैं अम्मी? उस शख्स ने आपको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसके खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अम्मी, कैसे निकली आप वहां से? दीवार पर थी। आ जाओ। अली साहब, फिकरत साहब इस्तांबुल जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपका। इंतजार करो, अम्मी अभी आराम करेंगी। मेरा सामान तैयार करवाओ और उसे गाड़ी में रखवाओ। ठीक है जनाब। आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आओ बेटा। बदकिस्मती से जख्म में इंफेक्शन हो चुका है। मैंने सफाई करके पट्टी तो बांध दी है, लेकिन आपको डॉक्टर से जरूर मिलना होगा। मुझे माफ कीजिएगा, यह जख्म हुआ कैसे? काम करते वक्त शीशे की टेबल पर गिर गई। टेबल किरची किरची हो गई और कांच का टुकड़ा मुझे लग गया। अल्लाह जल्द ठीक करे आपको। शुक्रिया। शुक्रिया। तो तुम शीशे की मेज पर गिरी थी, काफी अच्छा झूठ बोलते हो। ओ ओ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे अबाई शहर की खवातीन अपने शोहरों से मार खाकर डॉक्टरों से इसी तरह झूठ बोला करती हैं। अच्छा खैर, बहुत शुक्रिया सईद के तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। कोई बात नहीं। क्या तुम होटल जाने से पहले ऐसा चहलकदमी करोगे? या नहीं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो साथ चाय पीते हैं। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। पसंद आई तुम्हें जगह? बहुत खूबसूरत है। क्या वो ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं, आग से गर्माइश मिल रही है। शुक्रिया।
जोहरा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। ऐसा लग नहीं रहा मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस खोई हुई थी। जानते हो, इस आग को देखकर मुझे कुछ याद आ गया। मुझे आग से बहुत प्यार है, सुकून सा मिलता है। बरसों पहले चाचा ने मुझे एक बात कही थी और फिर वो हिफ्स हो गई मुझे, और ये आग देखकर एकदम वो मेरे जहन में आ गई। सुनकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसा क्या? एक दफा आपने बड़े पहाड़ों के पीछे पानी को देखा, उसे पानी की दीवानी लहरों से इश्क हो गया। उसने पानी से कहा, आओ मेरे महबूब बनो, जिंदगी को सुकून बख्शने वाला मौजा बनो। बस आपकी आंखों में पानी की हरारत आ गई और उसने कहा, आज से ये दिल तुम्हारा हुआ। दोनों ने मजबूती से एक दूसरे को थाम लिया। वक्त के साथ पानी में बुखारात बनने लगे और आग राख में बदलने लगी। उनकी मोहब्बत पर जवाल आ गया और दिल में दर्द दिए हुए पानी ने आग को पीछे छोड़ दिया और दूर दराज इलाकों में चला गया। आग दिन रात पानी की तलाश में भटकती रहती। फिर एक रोज उसने पानी का रास्ता उबूर कर लिया। आग ने पानी की आंखों में उतर कर देखा और उसी लम्हे सब कुछ आया हो गया। मोहब्बत मुफाद परस्ती का नाम नहीं और ना दूर चले जाना बेवफाई है। आग बुझ गई, खत्म हो गए और मोहब्बत जलकर राख। तब से आग पानी से दूर है और पानी आग से। आग पानी का दिल लेने आई और पानी आग का। बस यही इस मोहब्बत की दास्तान है। दूर दूर हैं लेकिन एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। तो क्या तुमने भी सुनी है ये कहानी? किसी शायर की नज्म है। वैसे अंकल ने भी यही नज़म पढ़कर सुनाई। कौन है? मैं हूँ सईद। अब कैसी हो? क्या तुमने जख्म का मायना कराया? ठीक हूँ, शुक्रिया। पट्टी करवा ली है, बस कल डॉक्टर से दोबारा मिलने जाएंगे। जल्द ठीक हो जाओ। शुक्रिया। देर हो चुकी बहुत, आप लोग आराम कीजिए। सही, हर चीज के लिए शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। सही, शब बखैर, बंद कर ले। मैं एक दो काम निपटा कर सोऊंगी। तुम लोग थक गए हो, आराम करो।
अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। फिक्र मत करो, कल जा रही हूं मैं। बताओ हम दोनों के बीच ये सब क्या है? इश्क, हम एक नहीं हो सकते सहित, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। औरत इस हवेली से कैसे निकली? उन्होंने कहा कि अली साहब के पास चाबी है। झूठ बोल रही है। भाई दरवाजे को तो नुकसान नहीं पहुंचा, चाबी की मदद से ही बाहर निकली है। चाबी किसी के पास नहीं थी, फिर वो कैसे बाहर निकली? मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मैं खुद भी हैरान हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। ठीक है चलो। Ah!
जोहरा, जोहरा, सईद, बेटा जोहरा कहाँ है? तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं, कहाँ गई बताए? पता नहीं, कहाँ गई? रुवेदा, क्या वो तुम्हें कुछ बताकर गई है? नहीं, मुझे नहीं कहा, शायद फिर से कहीं चली गई हो। मैंने भी जोहरा को जाते हुए देखा है, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? कहाँ तुम इस वक्त? मस्जिद के पास, घर के करीब वाली मस्जिद के पास। समझ गया, मैं आता हूँ अभी। हाँ, आता हूँ। Huh?
आखिर कहाँ जा सकती है वो? मुझे लगता है कि वो इन्हीं गलियों में होगी, मिल जाएगी हमें। हम जरूर ढूंढ लेंगे उसे। कहाँ से मिला ये तुम्हें? मेरा है भाई। झूठ नहीं बोलो मुझसे, कहाँ से ले आए? लड़की कहाँ है? वो बेहोश पड़ी है, मैंने उसका गोद उठा लिया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। कहाँ है वो सब? वो वहां आगे बाएं तरफ की तीसरी गली में, पता नहीं कहां से आ जाता। जोरा आगे खोलो, जोरा होश में आओ, जोरा नजदीक कोई हॉस्पिटल होगा। खुशामदीद फिकरत साहब। शुक्रिया। चलें अम्मी। खुशामदीद, खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मैं मदद कर दूं? मैं खुद उठा लूंगी। बाबा आप क्या कर रहे हैं? सबके सब यहां पे आप सब लोग यहां अचानक? खैरियत तो है ना? ये आपने क्या किया है बाबा? अच्छी तरह जानता हूं मैंने क्या किया। जोहरा मेरी बीवी है, तुम उसके बारे में मुझे बताए बगैर फैसला कैसे कर सकते हो? अगर कोई इस्तांबुल जाएगा तो वो मैं हूं, तुम नहीं हो। अच्छी तरह समझ लो। आपको मार के भागी है। आप समझते हैं क्या मैं उसको छोड़ देता? मैंने वही किया है बाबा जो एक बेटे को करना चाहिए। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। आपको बताने का वक्त नहीं था मेरे पास, आपकी तबीयत और आपकी सेहत की वजह से नहीं बताया। अच्छा, क्या हुआ है मुझे? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो वो तो आप अब बेहतर हुए हैं ना, उस वक्त नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप ठीक नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो। जाकिर क्या हो रहा है?
बेहुदा औरत। सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? जाओ। मेरा कमरा तैयार करो। जी अभी कर देती हूँ। तुम यहाँ रुको, व्यास तुम जाओ। जी ठीक साहब। और तुम मेरे लिए कॉफी लाओ बगैर चीनी के। क्या करता मैं, अम्मी को उस जगह पर अकेला छोड़ देता। आ जाए अम्मी, रूम में ले चलता हूं आपको। मिस ज़ोरा के साथ आप लोग आए हैं क्या? जी हाँ। जख्म में इन्फेक्शन हो गया है, उनके कुछ टेस्ट होंगे, इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। समझ गया, क्या हम लोग उससे अभी मिल सकते हैं? एक बार उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मिल सकते हैं। इजाजत दीजिए। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सईद, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली को घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें भी ज़ोरा से मिलना है। आदिल साहब शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन आपके काम का कोई हर्ष तो नहीं हो रहा? नहीं, मेरा कोई हर्ष नहीं हो रहा। चले पहले ज़ोरा से मिल लेते हैं। आ जाओ रोहित, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। चलो। ज़ोरा, कैसी हो? ठीक हूँ। जल्दी ठीक हो जाओगी बेटा। शुक्रिया। दर्द है या कम हो गया? ठीक तो होना तुम? नहीं, अब ठीक हूँ। क्यों कह तुमने जोर? कितनी बार समझाऊ मैं तुम्हें, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह तकलीफ में भागने? मुझे लगा यही बेहतर होगा हम सब के लिए। देखो मैं कामयाब नहीं हो सकी। कैसी हैं आप अब? देख लेती हूँ। बुखार तो अब भी है आपको? परेशान मत हो, इंजेक्शन से बुखार उतर जाएगा। बस आप लोग इन्हें आराम करने दें। हम बस अभी यहाँ से जा ही रहे हैं। चलें ठीक है। मैं ज़ोरा के पास ही रहूंगा, आपको होटल छोड़ने के लिए मैं उसे कह देता हूँ। हाय, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे? आपने अभी तक सुना कि नर्स ने क्या कहा है? और वैसे भी यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्स मौजूद हैं इसका ख्याल रखने के लिए। क्या आप मुझे और अम्मी को अकेले होटल जाने का कह रहे हैं? सईद, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ वापस। अल्लाह सेहत दे बेटा। शुक्रिया। अली,
मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं, तुम कहां? और अब्बा कोई रा...